जैसे ऑब्वियसली सारे लोगों ने आपकी जर्नी देखी है, पर यस मैक्सिमम जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है ई-स्पोर्ट्स में, वो लॉकडाउन के बाद हमारे साथ जुड़ी है। उसके या पहले वाले लोगों को आपकी जर्नी नहीं पता, आपने कितनी सारी अचीवमेंट्स अपने अंदर रख रखी है। एक स्टार्टिंग फेज था जब चार लोग बस खेल रहे थे, जर्नी वहां से चालू हुई कि डिवाइस था नहीं, डिवाइस के लिए पहले रगड़े हम लोग, डिवाइस कैसे ना कैसे करके निकाले। देन उसके बाद में जब मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, ड्रीम हैक हुआ था बेसिकली, उसके बाद मेरे को अंदर से जगह क्या, देखो अपन अच्छा तो खेलते, जिस हॉस्टल में मैं रहता था उस हॉस्टल में ही लोग आकर के गेम देखते थे, तभी मैंने यूट्यूब पर डालना चालू किया था। एंड देन उसके बाद में जब इनका ड्रीम हैक में मैंने देखा कि इतना हाइप है इस चीज़ का ऐसा, तो फिर इसमें कुछ ट्राई करते। तो ये एंटिटी का फिर सफर कैसे चालू हुआ? फायरफ्रॉस्ट से आपने खेल लिया, फिर एंटिटी में आप चले गए, वहां से ना 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 खेला? ना ना, ये बहुत एक्चुअली फायरफ्रॉस्ट से मैं खेला नहीं था, 8 से 10 थोड़े दिन बहुत। खेला था। मेरी मेन जर्नी, मेरी जो एक्चुअल फोकस जो चालू हुआ था ना, वो हुआ था जब मॉर्टल और ये लोग ने ट्रॉफी उठाई थी, तो मैं और स्लेयर हम लोग साथ में बैठे थे, और जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई ना, अंदर से एक ऐसी सी भावना जगी कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, देखो यही टाइम है, क्योंकि उसके बाद में पता नहीं टाइम मिले ना मिले और कहाँ हम पहुंच जाए फ्यूचर में। मेरी उससे ऐसी बात हुई कि यार बस करना है। अगले दिन से हम लोगों ने टीम बनाई, चालू किया, जिसमें मैं प्लेयर डेविल करके एक प्लेयर था, एंड एक और कौन था मेरे को याद नहीं आ रहा था। हम चारों लोगों ने खेलना चालू किया, थोड़े गेम्स निकाले, थोड़े क्लचेस निकाले। जब वो टूर्नामेंट था उस टाइम मेरी घातक से बात होती थी बेसिकली, हम लोग साथ में ही टूर्नामेंट देखने गए थे। वो तब उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि अगर तेरे को चाहिए कोई टीम वगैरह तो मेरे को बता देना। वो ORB में था ना, वो तो वो लैन खेला हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद में जब वेलोसिटी से अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तब मैंने उसको रीच आउट किया कि तुम्हारी टीम में स्लॉट है क्या। तब तक उनकी टीम में शायद 3 प्लेयर थे, वो ढूंढ रहे थे, मेरे को उड़ती उड़ती खबर आ जाती है कम्युनिटी में। एंड देन दो तीन गेम खेले थे उस दिन, मेरे को याद है 3 गेम में से हम लोग दोनों चिकन, दो गेम में चिकन मारा था, वो भी T1 लॉबी जो उस टाइम की थी, और उसमें कुछ 15 15 किल निकालते। फिर हम लोग धीरे धीरे रेगुलरली खेलना चालू किए, मैंने अपना शेड्यूल मेंटेन किया। एंड ये जर्नी कुछ ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 मंथ करी, थोड़ा कोऑर्डिनेशन बिठाया। एंड देन उसके बाद पता चला कि एक ESL करके टूर्नामेंट आ रहा है। ESL टूर्नामेंट के लिए 3 टीम जाएगी इंडिया से, उसमें ग्रुप्स थे बेसिकली, 3 ग्रुप्स थे, तीन एक एक ग्रुप से एक टीम जाएगी, और एक ग्रुप में कुछ 60 से 80 टीम्स कुछ तो रजिस्टर्ड थी। तो हम लोगों ने एक ही ग्रुप में ट्राई किया था, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप निकल गया था, हमको पता ही नहीं टूर्नामेंट चल रहा है। सेकंड ग्रुप में हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट ग्रुप में मावी ने किया था, एंड सेकंड में हम लोगों ने किया था, थर्ड में SG ने किया था, हम लोग एक ही बार में क्वालिफाई कर गए थे। वो FPP टूर्नामेंट था। तब तक तो घर वाले कन्विंस नहीं हुए थे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, एक दो बार चला गया, गलती से चला गया, ऐसा लग रहा होगा उनको बेसिकली। देन उस टाइम मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि वो इतना रश फेस था ना हमारा, कि हम लोगों को 8 दिन में वीजा अप्लाई करना है, वीजा के लिए हम लोगों को पासपोर्ट चाहिए, और मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। वहां जा करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, क्योंकि हम लोग उसमें गलती हमारी थी, क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे, कभी जिंदगी में गए नहीं थे, तो हमने एक्सप्लोर कुछ ज्यादा कर लिया, फोकस नहीं किया। लेकिन उससे हमको रियलाइज हुआ कि भाई नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है, ये सब बाद में भी कर लेंगे खुद के पैसे से, लेकिन अभी अपन को नेक्स्ट टाइम से ये फोकस रखना है। तो वहां पे हम लोगों ने 5th पोजीशन मेंटेन करी कैसे ना कैसे करके।